सूखे के दिन में भी कि अगर मनरे का काम नहीं देते तो आप कितना दिल से कठोर हो गए हैं। बारिश तो नहीं आया है, सूखा ही सूखा पड़ गया है। देहांत में और सिटी में भी लोग भूखे से मर रहे हैं, पीने के लिए पानी तक नहीं है। जो कृषि है वो तो ठप हो गया पूरा। लोगों को वही काम दे दो, 100 दिन एक्स्ट्रा काम दे दो और 700 रुपया उनको क्या है उनका कूली दे दो। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। आज CPIM पार्टी से हमने एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका कारण ये है, आप सब लोग देख रहे हैं कि बारिश तो नहीं आया है, सूखा ही सूखा पड़ गया है। देहांत में और सिटी में भी लोग भूखे से मर रहे हैं, पीने के लिए पानी तक नहीं है। देहांत में तो एग्रीकल्चर वर्क जो जमीन के अंदर काम रहता, जो कृषि है वो तो ठप हो गया पूरा। अगर अच्छा पानी बरसात आता, बारिश आता तो अब तक है ना जो खरीफ का पूरा क्रॉप हाथ में आता था, अब वो कुछ नहीं है। लोग पूरा खाली हाथ में है, पीने के लिए पानी नहीं है, जानवर के लिए कुछ नहीं है, क्या करना, लोग तंग आ गए हैं। इसीलिए हमने आज ये स्ट्राइक करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमने जिला के इंचार्ज मिनिस्टर को हमने भेज रहे हैं हमारे आग्रह पत्र कि हमने आग्रह कर रहे हैं मनरेगा कई गाँवों में मनरेगा जारी नहीं कर रहे हैं कि ऐसे हालत में भी, सूखे के दिन में भी कि अगर मनरेगा काम नहीं देते तो आप कितना दिल से कठोर हो गए हैं। ये गलत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये समझना जरूरी है, हर गांव में ये मनरेगा NMR निकालना, सभी लोगों को काम देना, पेमेंट करना। और हमने आग्रह कर रहे हैं, इस समय इतना ड्रॉट पड़ गया है कि 100 दिन ज्यादा देना हमने मनरेगा में, क्योंकि लोगों के हाथ में काम ही नहीं है। एग्रीकल्चर पूरा ठप हो गया, कहाँ जाना, अगर माइग्रेशन जाते बाहर जाते तो उनका फैमिली पूरा बर्बाद हो जाएगा। जहाँ रहते लोग वहाँ उनको काम देना गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनती है। इसलिए ऐसे सूखे के दिन में लोगों को वही काम दे दो, 100 दिन एक्स्ट्रा काम दे दो और 700 रुपया उनको क्या है उनका कूली दे दो। ये हमारे आग्रह है। इसके साथ साथ हमारा ये आग्रह है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, एक एक्ट, ऐसा विपत्त में ऐसा बारिश नहीं आता या बारिश ज़्यादा रहता, ऐसे समय में कि लोगों को हेल्प करने के लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसको कन्नड़ में कहते हैं विपत्त निर्वाणा समिति एक्ट है। वो एक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए कमिटी रहता, उस कमिटी के थ्रू बजट रखे हमें काम करवाना पड़ता। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो लागू करना बहुत जरूरी है, कर्नाटक सरकार लागू करना जरूरी है। जो मैसूर में मंड्या में बारिश आया होगा मगर हैदराबाद कर्नाटक में नहीं आया, कहाँ जाना यहाँ के लोग। इसलिए हमने आज ये प्रोटेस्ट निकाल के लोगों का हाथ में काम देना, और हमने आग्रह कर रहे हैं जैसा केरला गवर्नमेंट अय्यंकाली नाम से एक सिटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट करे, एक्ट नहीं करे, सिटी गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा पैमाने पर वहाँ पैसा रखे है, बजट रखे है, वैसा कर्नाटक सरकार भी पहला करे थे कूलीगागी कालो, ऐसा काम करे तो आपको अनाज मिलेगा, कि ऐसा वैसा भी स्कीम लागू करो और पैसा रखो, सिटी का लोगों को भी आप काम देना और पेमेंट देना जिम्मेदारी बनती है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।